बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत धन्यवाद। लोकतंत्र दे इस पवित्र ते मुकद्दस स्थान ते मंच दे उत्ते सुशोभित कस्टोडियन ऑफ द हाउस, सारे हाउस नू अपनी लोकतांत्रिक अते सारे वास्ते इको जी नज़र नाल चलाउण दा जज्बा रखण वाले स्पीकर साहब माणयोग श्री कुलतार संधवा जी, उन्हां दे डिप्टी और बहुत जिंदगी दे विच संघर्ष करके इस जगह ते पहुंचण वाले माणयोग डिप्टी स्पीकर साहब जय किशन रोड़ी साहब, समाज दा अजकल ऑपरेशन कर रहे ने, पहला हॉस्पिटल च लोकां दे ऑपरेशन करदे सी ते बीमारियां नू चाकू नाल जां कैंची नाल जड़ों कटदे सी, ते हुण उन्हां दी जिम्मेवारी समाजिक बुराइयां नू दूर करन दी लगी हुई है। मेरे कैबिनेट दे साथी ते पार्लीमेंट अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर इंद्रवीर निज्जर जी, मेरी कौंसल दे सारे मंत्री साहिबान ते लोकतंत्र प्रणाली द्वारा लखां दी गिणती च लोकां ने बहुत वड्डियां वड्डियां उम्मीदां ला के भेजे हुए MLA साहिबान, विरोधी धिर वल्लों जिन्ने भी माणयोग MLA साहिबान पहुंचे ने, उन्हां दा ते उन्हां दे विरोधी धिर दे नेता जिहड़े ने जिन्हां ने विरोधी धिर नूं डायरैक्शनस देणियां हुंदियां ने कि इस गल ते आपां सरकार नूं सवाल पुछणा है, इस गल ते जवाब हजे कंप्लीट नहीं आया कि एक्शन लैणा है, भारत दीआं तिन्नों प्रणालियां विधानसभा लोकसभा ते राजसभा दे विच बहुत ही एक्टिव ते बहुत ही वोकल रहे श्री प्रताप सिंह बाजवा साहब, ऑफिसर साहबान अज दे इस प्रोग्राम दी इस ट्रेनिंग सैशन दी जिहड़ा सैकेंड हाफ होगा उहदे विच महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट दे विच उत्थों दे डायरैक्टर अनिरुद्ध तिवाड़ी जी, जिन्हें भी ऑफिसर साहबान ने सारा बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे तो पहला बोलदिया सब ने यही गल कही है कि ये सदन जिहड़ा बड़ा पवित्र है और लोगों ने अपन बहुत वड्डिया वड्डिया उम्मीदों नाल इत्थे भेजिया, भावें वह खब्बे पासे वाले बेंच ने भावें सज्जे पासे वाले बेंच ने, तो लोग देखते ने कि जिदे वास्ते असी सवेरे 7 बजे लाइना च लगे सी, दोपहर के 12 बजे साड़ी वारी आई सी, जिदे वास्ते दोपहरे 12 बजे लाइन च लगे सी, 4 बजे साड़ी वोट पाउण दी वारी आई सी, कि वह साड़िया उम्मीदों ते पूरा उतरदा? कि वह जदों साढ़े पिंड आया सी, जब साढ़े घर का बूहा खड़काया सी, जो उन्हें वादे पूरे वादे कहा सी, कि उन्हां ते खरा उतरदा? पूरे करन लई कोई यतन कर रहा? तो लोगों दीआं उम्मीदां वध गईआं। पंजाब जिहड़ा वह बहुत नॉलेजेबल स्टेट है, पंजाब के लोग बहुत जानकारी रखते ने खास तौर पर राजनीति की, यह नहीं है कि उन्होंने पता नहीं है कि कौन की करी जांदा, शायद उधर दीआं स्टेटां च कितें होगा कि उन्होंने पता ही नहीं है कि की हुंदा इह, वो तो एक बार वोटां पा के कह दिंदे ने जी सरकार है पता नहीं की है, पर साडे लोग जिहड़े ने भावें वह किसी भोग ते शामिल होइए, भावें किसी विआह ते शामिल होइए, भावें किसी जगराते का फंक्शन होवे, भावें अखां का कैंप होवे, 2 मिंट तो आपां उस टॉपिक की गल करदे हां जिहड़े टॉपिक वास्ते आए हुंने आ, 2 मिंटां बाद जदों चाह आ जाती है तो नाल दी नाल फिर आपां
चेंज हो गए, कहने होर थोड़े वाले पासे की चलता है, सड़कों सुड़कों का किवें, थोड़े वाला MLA किवें आउंदा कि नहीं, मिलता मुड़ता कि नहीं, अफसर किवें ने। सो असी बहुत पंजाबी जिहड़े ने बहुत जानकार ने, जे जानकार ने इसे करके अज कनेडा दे विच जिहड़े पंजाबी ने वह मैंबर पार्लीमेंट ने, लंडन दे विच मैंबर पार्लीमेंट, न्यूजीलैंड च मैंबर पार्लीमेंट है साडी पंजाबी, और मिनिस्ट्री ने जिहड़े ट्रूडो साहब की मिनिस्ट्री दे विच साडे पंजाबी लोग। सो वी आर ग्लोबल सिटीजनस, असी कल्ले पंजाब दे नहीं, असी पूरी दुनिया दे सिटीजन आ। मैं अक्सर कहना हुंदा कि जिहड़ा बाजवा साहब जिहड़ा पंजाब है ये इको एक स्टेट है, वाहिद स्टेट है जिहदियां फ्रेंचाइज ने। वैनकूवर च भी एक पंजाब वसदा है, एडमिंटन कैलगरी च पंजाब वसदा, टोरंटो च पंजाब वसदा, सैनोजे सैक्रामेंटो पंजाब वसदा, ऑकलैंड दे विच, हैमिल्टन च, पर्थ, सिडनी, मेलबर्न, सिंगापुर, सब जगह जगह पंजाब वसदा। सो इस करके जरूरी नहीं कि जिस वेले तुसी बोल रहे हो थोनू तुहाडे हल्के दे लोग ही सुन रहे ने। जदों दा आपां ने ये लाइव करन दा फैसला कीता है उदों तो मैनू भी बहुत सारे लोगों के फोन आते हैं कि जदों विधानसभा सैशन चल पैंदा है तां असीं जिहड़े अपने ट्रक ने उहनू रैसट एरिए च खड़ा के असीं मोबाइल ते पंजाब दी विधानसभा दा सैशन सुनदे हां। सो कल्ला इत्थे नहीं, पूरी दुनिया सानू देख रही हुंदी है उस वेले कि असीं की कर रहे हैं। मैं कहिंदा सी कि जे ट्रेनिंग सैशन करवाउणा कि विधानसभा किवें चलाउणी है, उहदे लई सब तो बेस्ट टीचर हो सकदे ने प्रताप सिंह बाजवा, क्योंकि ये सत्ता च भी रहे ने, सत्ता वेले भी रहे ने, विरोधी दिर च भी रहे ने। सानू तां 10-11 महीने पहले ही सत्ता मिली है जी, इस तां पहला बंद करवाउण वाले च हुंदे सी भी बंद किवें करवाउणी है। पार्लीमेंट च भी तुसीं देखिआ आपां इकट्ठे लड़दे रहे हां, तुसीं तां स्पीकर दा माइक भी तोड़ता सी इक दिन, क्योंकि जे नहीं सुनी जाऊगी फिर किसे लैवल तक तां फिर लोकां दा जिहड़ा गुस्सा है वो अपने आप से लैके जाने, असी लोगों का ही गुस्सा लेके जाने असी असल जे ऑपोजिशन चा कि लोग सानू ए कहते हैं कि आह गल क्यों नहीं हो रही। सो लोकतंत्र की खूबसूरती है विचारक मतभेद, किसी भी गुलदस्ते दे विच एक रंग के फुल होण उनू तुसी 2-3 दिन तो बाद उस गुलदस्ते नू देख नहीं सकते, बोर हो जाने तुसी उस। रंग बिरंगे फुलां नू ही गुलदस्ता कहिंदे ने, हर रंग होना चाहिए। इत्थे BSP दे विधायक ने, इत्थे BJP दे विधायक ने, इत्थे कांग्रेस दे विधायक ने, अकाली दल दे विधायक ने, आम आदमी पार्टी दे विधायक ने, आजाद भी विधायक हैगे। सो हर रंग दा साडे कोल फुल हैगा इस फुलवाड़ी च, और हरेक नू अपनी अपनी महक है हरेक दी। और स्पीकर साहब मैं तो तुहानू बेनती कर सकदा कि होर भी वध टाइम जिहड़ा वो अपोजिशन नू मिलना चाहिए, क्योंकि असी अपोजिशन च रहे हाँ, असी भी तरस तरस के बड़ा नारे ला ला के 20-25 सेकेंट ही लेंदे होंदे सी, पर 20-25 सेकेंट भी बहुत होंदे ने जे बोलना होवे। जिस तरह बाजवा साहब ने कहा कि होमवर्क बहुत जरूरी है, जे मैं एग्जाम्पल देवां बंगाल वालियां दी लोक सभा च मैं देखे ने नेड़े, जां फिर साउथ तमिलनाडु वालियां दी, केरल वालियां दी, जदों उह अपनी स्टेट का मसला होवे उदों भुल जांदे हो किहड़ी पार्टी दी है, फिर केरल अगे आउंदा, फिर तमिलनाडु वास्ते लड़दे, फिर आंध्रा वास्ते लड़दे, फिर बंगाल दे हुंदे सारे। असी ये देखते रहने नहीं कल्ले नूं कर लैण दे, मेरी इहदे नाल बणदी नहीं, ना ना इहदे नाल तां साडी लड़ाई है उत्थे स्टेट च। सो ये मतभेद जिहड़े ने वो बाद दे विच हो जांदे ने, जे पंजाब नूं कोई दरपेश मुश्किलां ने सेंटर च तां लोक सभा दे विच जिस आम आदमी पार्टी का कोई सांसद है नहीं तां कांग्रेस जिहड़ी है वो पंजाब नूं रीप्रजेंट, क्योंकि विरोधी धिर च है कांग्रेस, तां वह पंजाब की सरकार नूं जिहड़ियां मुश्किलां सेंटर वल्लों आ रही ने उहदे बारे आवाज़ उठा सकते ने। कल मनीष तिवाड़ी जी ने आवाज़ उठाई सी, मैं उन्होंने डिटेल दिती सी कि आ मसला जी कि सानू कहिंदे उड़ीसा तो पहला ट्रकां च भर के उहनू प्रदीपपुरी बंदरगाह ते लैके जाओ, उस तो बाद उन्हूं जहाज़ च लद्दो समुद्री जहाज़ च, श्रीलंका के उपर दी आके मुंद्रा एयरपोर्ट ते आओ, उत्थे लाहो, फिर उन्हूं ट्रेन च लद्दो, फिर लै जाओ।
मतलब ये सिर्फ दो स्टेटा नु कीता सर, एक राजस्थान एक पंजाब, क्योंकि दोनों स्टेटा नॉन बीजेपी गवर्नमेंट। गुजरात नु तो उन्होंने कहण नु करता भी बिच गुजरात भी पा लो, पर मैनू समझ नहीं आती कि इस तरह के फैसले जिहड़े ने उस तो बाद भी बीजेपी वाले जिहड़े ने वो ये चाहते हैं कि असी पंजाब दे विच रीप्रजेंट कर देंगे पंजाब नु किसी पक्ष तो। ऑलरेडी कर्जे थले दबी हुई स्टेट है, और उस कोले नाल असी कड़ा, उस कोले नाल कोई ब्लैक कर दें जो कोई, असी उस कोले नाल बिजली पैदा करते हैं, वो बिजली ना असी तो वास्ते अनाज पैदा करते हैं सारे मुल्क वास्ते। सो घट्टो घट्ट ये तो हो ना कि सीधे असी उड़ीसा तो पंजाब आ सकी वाया श्रीलंका ना आए। तो इस मुद्दे पर साथ मिले, मैं बहुत धन्यवाद करता इस मामले जे अपोजिशन LOP साहब ने कहा कि पंजाब दे मामले हमेशा असी एक रहांगे। सो कई बारी सके भाइयों भी तकरार हो जाता है, कंध भी कट लेंगे वो बेचारे अपने घर दे, और कोले खड़ के मिस्त्री तो कहते हैं दो रे होर ला दे हजे सिर दिखता वह तुरदे का, मैं सिर ना दिखे उधरले पासे कौन तुरै फिरता है। तो 6 महीने बाद उस कंध चो एक इट कट लेंगे ने कि थोड़ा दाल दाल की कौली वगैरह एक दूजे को बटाने लिए। साल सवा साल बाद उस कंध में एक गेट लग जाता है आने जाने लिए, क्योंकि उ तक वो जिहड़ियां दुश्मनी वाले वो होंगे ने तत् पैदा जोड़े वो ठंडे हो जाते हैं। पर हाँ दोनों भाई जिन्ना मर्जी आपस बोलते हो ना बोल, जो कोई तीजा आके उन्हें हमला करे फिर दोनों भाई इकट्ठे हो जाते हैं भी ए नहीं भी जो तू गाल कढ़ दिंदा साडे सानू ही लगती है फिर। सो इस करके इधर बहना जां इधर बहना ये चलता रहना है, कोई सदा जिस तरह बाजवा साहब ने कहा कोई सदा नहीं इत्थे रहिंदा, पर एक गल जरूर नोट करया करो, एक गल जरूर महसूस करया करो, जिहड़ियां कुर्सियां ते तुसीं हुण बैठे हो इत्थे बहुत वड्डे वड्डे लोग बैठ के गए ने, जिन्हां ने मतलब एडी एडी अचीवमेंट्स कीतियां, जिन्हां दा नाम लैके अज असी माण महसूस करते हैं, वो लोग इत्थे बैठ के गए हैं। फिर उन्हां दी आत्मा जिहड़ी है वो ताइयों उन्हूं सुकून मिलेगा जे आपां भी उन्हां वांगू कोई ना कोई पंजाब दे हक दा पंजाब दे पक्ष दा कोई कानून पास करांगे, डिबेट करांगे चंगी, ताइयों फायदा होगा। बहुत सारे साडे MLA साहिबान फस्ट टाइमर ने, पहली बार जितते हुए ने, कोई गल नहीं किसी ना किसी फील्ड हरेक बंदा फस्ट टाइमर ही हुंदा। मैं थोनों अपना एक्सपीरियंस दस दिना, मैं भी फस्ट टाइमर जो 2014 च गया, जिस तरह बाजवा साहब कहते हैं मैनू भी नहीं पता सी की हुंदा किवें करिए, पर मैं अफसर नाल गल की जी, नोटिस ऑफिस के अफसर नाल भी मैं सारा समझाओ जी ये की है चक्कर केड़े केड़े तरीके ने कि मैं सवाल उठा सकता। फिर उन्होंने मैं दस्या पहले तो क्वेश्चन जे तुसी स्टार पाउणा है अनस्टार पाउणा है, स्टार दे पहले 20 क्वेश्चन जिहड़े ने आउणगे, पहले पहले 5 या 10 दे जवाब हुंदे है डायरैक्ट। जे तुसी जिहड़ा सवाल पाउणा चाहुंदे सी सेम भी पाणी साडे थल्ले जा रहा है जी, वह सेम ही कितें तमिलनाडु वाले का निकलिया होया, तो तुसी सप्लीमेंटरी जा सकदे हो कि जी यही मैं पुछना चाहुंदा सी, मैनू भी पुछ लैण दो, क्वेश्चन सेम ही होगा मिनिस्टर का भी साढ़े पंजाब भी यही हाल है जी। इनू आप सप्लीमेंटरी कह दें कि सप्लीमेंटरी क्वेश्चन है जी मेरा, दो तरीके हो गए जी, तीजा 0 आवर है हर रोज़ पा के आओ जी, कहें कदे ना कदे निकलूगा उत्थे, हुण तो कंप्यूटर ना हो गया, पहला हाथ नाल ही इदा लकी ड्रॉ करते सीगे, हुण नहीं जी सर डीटियां जी होंदियां डेटिंग वो पा लेंदे सारे दी, 100 125 आ जाता सीगा, तो उहदे चों 20 कढ़ने 20 नहीं भी आउंदा कदे कदे, तो फिर जो मैं 2 दिन 3 दिन पाई गया मेरा आया नहीं, मैं हूँ आता नहीं जो की करिए, वो कहते स्पीकर साहब को जाओ, मैं 11:15 स्पीकर साहब आ जाते हैं, मैं उन्होंने कमरे च गया जी 3 दिन हो गए मैं 0 आवर पाते नो, मैं प्लीज़ मौका दे दो। तो स्पीकर साहब जिहड़े ने उन्होंने जी उन्होंने जी डिस्क्रिप्शन है कि वो मौका देन जां ना देन, पर वो दे दें जिस मौका कि चलो ओके 3 दिन हो गए मतलब चल आज तुझे 20 के बाद पहले जो लिस्टेड हैं उनके उसके बाद आपको बुलवाएंगे, 4-5 नो होर भी मौका दे देंगे। सो इतों ये सिद्ध होंगे कि स्पीकर क्यों मनिया,
ਸਪੀਕਰ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜੇ ਮੇਰੇ 3 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ, 3 ਦਿਨ ਮੈਂ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਸਪੀਕਰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਕੁਛ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਜਾਂਦਾ, ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਟਾਈਮ, ਉਹ ਟਾਈਮ 1-2 ਮਿੰਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਲੱਗਿਆ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨ ਸੀਗੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਟਾਈਮ ਮਿਲੂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦੇ 9:15 ਵਜੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਰਾਤ ਦੇ ਲੰਬਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, 12-12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਜੇ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਲੰਬਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਡਿਬੇਟਾਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੈਨਲ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਹੋਣ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਲਈ ਬੈਠਾ, ਚਲੋ ਯਾਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ ਘਰੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਆਪਣਾ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਡਿਬੇਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, 9 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਫੇਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਾਜੀਵ ਪ੍ਰਤਾਪ ਰੂਡੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਛੋਟੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇਂਗੀ, ਬੜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਅਭੀ ਬਸ ਇਸ ਪਰ ਡਿਬੇਟ ਖਤਮ ਕਰੇਂਗੇ, ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੋਲੇਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੈਠ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ BSP ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ, ਬੰਦੇ ਗਿਣ ਲਏ ਜੀ, ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ 24, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਰੇ 24, 10% ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਭਾ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕੋਰਮ ਜਿਹੜਾ 10%, ਯਾਨੀ ਕਿ 54-55 ਚਾਹੀਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ MP ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਕੋਰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੈੱਲ ਮਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਦੋ ਮਿੰਟ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚੋਂ ਬੈੱਲ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਮ ਦੀ ਘਾਟ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਪਹਿਲੀ ਬੈੱਲ ਵੱਜ ਗਈ, 2-3 ਹੋਰ ਆ ਗਏ, 27 ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਬੈੱਲ ਮਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਬੈੱਲ ਵੀ ਵੱਜ ਗਈ, 1 ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ, 28 ਹੋ ਗਏ, ਤੀਜੀ 2 ਹੋਰ ਆ ਗਏ, 30 ਹੋ ਗਏ, ਕੋਰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਹਾਊਸ ਰਿਜਾਇਨ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਤਾਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਊਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹਾਊਸ ਰਿਜਾਇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ BJP ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਨੇ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਮੈਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਛੋਟੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈ, ਆ ਬੜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੋਲ ਰਹੀਆਂ, ਛੋਟੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋ ਅਗਰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਚਲਤੀ ਹੋਈ ਸਭਾ, ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੰਦ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇੰਨੇ ਬੱਚੇ ਕਲਾਸ 'ਚ ਹੋਣ, ਟੀਚਰ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਘੱਟ ਨੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਲੈਕਚਰ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਦੇ, ਫਾਈਨਲ ਪੇਪਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਦਿੰਦੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਔਰ ਕੋਰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਇਜ਼ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਟੀ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ, 55 ਬੰਦੇ ਰੱਖਣਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਉਹ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਸਵੇਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਝਿੜਕਾਂ ਪਈਆਂ ਉੱਥੋਂ ਬੌਸ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਿਓ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨਾ 10% ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬੈੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮਿਲਦਾ, ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਹ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਬਈ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆਪਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲੇ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਆਡੀਓ ਐਂਡ ਵੀਡੀਓ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ CD ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਕਰਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਹਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਸੀ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ CD ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, CD ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਫੋਰਮੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਦਿਖਾ, ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾ, ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਜਦੋਂ 14-19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ 0 ਆਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ
120 125 तो वधे नहीं कदे भी जिन्हां ने क्वेश्चन पाए। 19 तो बाद जो मैं देखा उत्थे 200 250 बंदे पाउण लग गए। फिर असीं उन्हां नूं कहा जी कि जीरो आवर नूं तुसीं डबल कर लो, एक सवेरे कर लो घंटा, एक शाम का घंटा कर लो, तो जीरो आवर च 20 की बजाय 40 कर दो सर, तो डबल हो जूगा। सो मकसद यही है कि जिहड़ा इत्थे आया उन्हूं बोलण दा हक है, भावें जिहड़े मर्जी पार्टी दा, जिहड़े मर्जी इलाके दा, जिहड़े मर्जी बैंच ते बैठा है। यही डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र यही है। तो जे कदे मौका मिले पार्लीमेंट जाण दा तां उत्थे जिस वेले स्पीकर सन बंगाल वाले सोमनाथ चटर्जी साहब, उन्होंने एक डेमोक्रेसी का एक म्यूजियम बनाया से उत्थे। वो देखने वाली चीज़ है कि डेमोक्रेसी कैसी साड़े कंट्री कदों आ गई सी। उत्थे सब तो पहला बुद्ध कौंसल है कि महात्मा बुद्ध कौंसल लाउंदे सी, उदों सलाहां हुंदियां सी। अकबर का दरबार दीन इलाही उत्थे बह के डिबेट्स हुंदियां सी। सो बहुत वधिया वह एक फॉर्मेट है कि साड़े कंट्रीज़ का डेमोक्रेसी बहुत देर पहला तो सी, हुण तां असीं बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड हैगे आ। इलैक्शन हुंदी आ, करोड़ां वोटां पैंदियां ने। सो मैं ही तुहानूं रिक्वेस्ट करूँगा कि जरूर इत्थे आओ, पर अपने होमवर्क नूं आओ, लड़न ना आओ, इत्थे इत्थे कुछ कहण आओ, डिबेट करना आओ, हैल्दी डिबेट करना आओ, बहस करो। तो डिबेट्स होणगियां, लंबियां लंबियां डिबेट्स चलनियां चाहीदियां, लोगों नूं देख के चंगा लगे कि हाँ दोनों पासे अपना पक्ष रख रहे हैं, दोनों एक पासा भी जिहड़ा बोली जाए वो चंगा नहीं हुंदा। हालांकि असीं तां यही चलिया उत्थे, क्योंकि हुण अद्धा घंटा पहले ही बिल देंदे हुंदे सी, चलो जी पास, हाँ वाले हाँ कहें, ना वाले ना कहें, हाँ की पक्ष में, हाँ के पक्ष में, चलो जी। एक बार तो मैं पूछ भी लिया सीगा, स्पीकर मैडम सीगे, मैडम सुमित्रा महाजन, उन्होंने किसी बिल ते वोटिंग करवानी सी, पता तो हुंदे ही है हुण भी हाँ कौन कहणगे ना कौन कहणगे, पर स्पीकर तो ना पता लगन देवे ना, ये स्पीकर साहब ये सुन लियो, कहने जो इस बिल के पक्ष में वो हाँ कहें, ऐसे उन्होंने कहीं देख के वो कहने हाँ, जो इस पक्ष में वो ना कहें, ना है नहीं सी कोई। मैं कहा मैडम, मैं कहा मैडम मैं हाँ कहनी सी, पर तुसी उधर मुंह क्यों किया, तुसी सीधा है कि कहो जो हाँ कहें, जितों भी हाँ आवे तुसी सुन लो, तुसी ऐ हो गए जी उधर नूं हाँ कहें, इहदा मतलब तुहानूं पहलां पता है भी हाँ कहणगे। सो बायस नहीं होना चाहिए किसी भी फील्ड दे विच। स्पीकर साहब तो खास तौर पर स्पीकर सारयां दा हुंदा, वो 117 दे 17 दे कस्टोडियन ने, वो तो पक्षपाती रवैया तो फिर वो तो फिर वो डेमोक्रेसी नहीं रह जाती। फिर आप देश इस वक्त बाजवा साहब तुसी भी पीड़ित हो इस गल तो, असी भी पीड़ित हैं इस गल तो, किवें देश दे विच जिहड़ियां तुहाडियां सरकारां तोड़तियां किन्ने सूबियां च, जे इलैक्शन राही नहीं जितते, बाई इलैक्शन राही जितण लग गए, डेमोक्रेसी किधर गई फिर। जे असी जितते हुए हैं MCD, साढ़े कोल बहुमत है, साडा मेयर नहीं बन दिंदे, फिर डेमोक सानूं सुप्रीम कोर्ट जाना पै रहा है कि सानूं बना दो जी। सो मतलब इस वक्त डेमोक्रेसी जिहड़ी है वो चक चक के बाहर मार दिया, बाजवा साहब होरी सारे चक चक के बाहर मारे बिल पास जी, तो बाहर धरना लाया 10 दिन, कोई नहीं पुछे बिल पास है जी, पास है जी। सो यह थोड़ी देर तो चल जाता, पर ज़्यादा देर नहीं चलना फिर ये इस तरह का, क्योंकि डेमोक्रेसी जिहड़ी है, लोकतंत्र जिहड़ा वो लोगों के हाथ च है। ये ना सोचो कि जे थोड़े को अज सत्ता आ गई तो लोग थोड़े नाल दे रहेंगे, लोग देख ही जाते हैं भी कितने दूजियां नूं धक्का तो नहीं कर रहे, कितने बाला तो नहीं ज़्यादा दिमाग नूं कितने चढ़ गई होवे सत्ता, तो लोग अगली बारी फिर कह देंगे भी जेबा चो हाथ कढ़ाने ने, हाथ जिहड़े ने बन्नण लाने ने बड़े बड़े। इस बार पंजाब च देख लो जिहड़े कहिंदे सी सारी उम्र इत्थे ही रहना इन्हां बैंचां ते, नहीं वो आपदे घर दे कुर्सी ते बिठा दे लोगों ने।
जो उन्होंने दरवाजे बंद कर ले सी 5 साल अंदरों कि लोग आ नहीं सकते तो लोगों ने बाहरों करते कुंडे बंद भी इतनी रहो फिर असं भी नहीं आते थोड़े को। सो इस करके डेमोक्रेसी के कदम माण नहीं करना चाहिए। इंदिरा गांधी हार गई जी, 2 साल बाद सरकार बन गई फिर दोबारा। सो डेमोक्रेसी के कदे भी लोग जोड़े ने आपदम चैक भी कर लेंगे, किसी को थोड़े चल समय लिए भी चैक कर सकते हैं, किसी को लंबा समा भी दे सकते, चल ठीक है भाई कर ला काम। सो अज के इस सैशन के मैं चंगा लगे आके, मैं भी फस्ट टाइम रामसल च विधानसभा वास्ते, पर लोग सभा दे विच जाके बहुत कुछ सीखा। लाइब्रेरी जाता सी जिहड़ी बाजवा साहब तुसीं गल कह रहे हो कि 10-10, 12-12 दे ग्रुप बना दिए ते उन्हां नूं एक लैजिस्लेटिव ऑफिसर दे दिए। मैनूं लगदा तुसीं शायद उस तर्ज ते कहिंदे होवोगे जिवें अपने उत्थे मैंबर रेफरेंस सर्विस है, उत्थे जो भी तुसीं मुद्दा उठाउणा उत्थे तुसीं एक दिन पहलां दस दो, उह सारा डाटा तुहानूं कढ के उस की अखबारां छपिया उस मुद्दे बारे की होया कदों कदों इहदा होया वो सारा तुहानूं कढ के देंदे ताकि तुसीं रिसर्च पेपर सर। हाँ, सो मैं कहना भी मैंबर्स रैफरेंस सर्विस जिहड़ा उहदा गठन कर सकते हैं आपां इत्थे, ताकि कोई भी जिहड़ा आके उत्थे लिखावे कि जी मैनूं चाहिए कि पंजाब दे विच एक्सीडेंटां दे विच हर रोज़ किन्नियां मौतां होंदियां ने किन्ने, तुहानूं अगले दिन उह सारा डाटा जिहड़ा है अखबारां दा भी एडिटोरीयल भी उहनां दे सारा वो एक्सीडेंट्स नाल रिलेटेड जां खूनी सड़कां जिहड़ियां बन गईयां साडियां वो सारा तुहाडे कोल आजूगा, ताकि तुहानूं डिबेट वेले वो डाटा जिहड़ा है वो ये हाउस के टेबल ते रखण दा मौका मिल सके। सो बहुत अच्छे अच्छे सुझाव आए ने। बाकी रही गल सैशन नूं वधाउण दी, मैं स्पीकर साहब नूं बेनती करदा कि असीं तां खुद चाहुंदे आ कि जिथे लोगों ने भेजिया उत्थे आके बैठीए ते डिस्कस करिए, मामले डिस्कस करिए, पर बाजवा साहब कल्ले बोलते चंगे नहीं लगते। तुसीं इत्थे बैठे रहा करो, तुसीं भावें 15 दिन की 20 दिन चला लेंगे, कल्ले होना खाली बैंचों नूं की कहीए फिर, तुसीं चले जांदे हो छेती। तुसीं इत्थे बैठो, थोनों भी नाल मौका मिलेगा, बाकी सारे नूं भी कहो कि सारे आया करो, वधिया डिबेट होगी इत्थे, मौका तुहानूं भी मिलेगा, मौका सानूं भी मिलेगा। तुहाडे कोले ज़्यादा तजर्बा सरकारां नूं चलाउण दा, साडे कोले 11 महीने होए है, पर वह है जोश ते होश जदों दोनों कट्ठे हो जाण, खास तौर पर एक सूबे लई तां उस सूबे नूं तरक्की करन तों कोई नहीं रोक सकदा। जदों साडे कोले लैजिस्लेटिव ऐसे होण जिन्हां दे दिल च पंजाब होवे, निज नूं छड्ड के वो जिहड़े ने वो इत्थे पंजाब दी गल करन, पंजाब दी बेहतरी दी गल करन, आउण वालीआं पीढ़ियां दी गल करन, तां मैनूं लगदा आपां बहुत वधिया पंजाब सिर सकदे हां। और इहदे विच किसे इंडिविजुअल दा नाम नहीं आउणा चाहीदा कि उहने सिरजिआ, इहदे विच इह इतिहास दे विच आउणा चाहीदा कि जिस वेले पंजाब दुबारा लीह ते चढ़िआ, जिस वेले पंजाब दुबारा उठिआ, तां उस वेले असैंबली दे आ मैंबर सी, उह च नाम सारिआं दा आऊगा। क्योंकि जदों आपां देखदे हां पुराणिआं इतिहास पढ़दे हां कि जिस वेले भगत सिंह जी नूं जिहड़े सज़ा सुनाई फांसी दी, उस वेले कोर्ट दे विच कौन कौन मौजूद सी, जज कौन सी, वकील कौन सी, जिस वेले पार्लीमेंट दे विच बंब सुट्टन गए कौन कौन नाल सी, किहड़ियां कुर्सियां ते बैठे सी, इह इतिहास दा एक हिस्सा बन जांदे ने। सो एक बहुत वधिया मौका लोकां ने दित्ता है, दोनों पार्टियां तिन्नां पार्टियां चार पार्टियां दे रिप्रजेंटेटिव ने, वो अलग गल है, गिणती च कई बार पार्टियां कोई एक है, कोई 3 ने, कोई 5 है, कोई 18 ने, पर मेरा मतलब ये नहीं है कि असी तुहानू ओवररूल कर देंगे। असी खुद चाहते हैं कि चंगीआं डिबेटां होण, बहस होवे, एक साथ दे विच भी बहुत वधिया डिबेट हो जाती है, एक टॉपिक ते पिंड दे विच बह के अपनी जिहड़ी डिबेट है वह लोगों के इस तरह जाता है कि यार लड़ते ने उत्थे। सो लड़न की बजाय, बाहर जाने की बजाय इत्थे रहो, बैठो, टाइम तुहाडे गिणती मुताबिक भी दे देंगे, गिणती तो बिना भी दे देंगे, कोई गल नहीं, क्योंकि आपां इसे करके आए हैं कि ये थोड़ी है कि जे 18 मैंबर ने तो इन्हां नूं 20 मिंट ही मिलणगे जी बस। तो मैं हुण कल्ला हुंदा सी, मैं भी कहिंदा सी वी जी मैं कल्ला, इहदा मतलब ये थोड़ी है मैनूं तुसीं 1 मिंट ही दोगे, मेरा मसला भी 5 मिंट का 7 मिंट का दोगे, तो उत्थे मिलदा मौका सारिआं नूं, सारिआं पार्टियां नूं मौका मैनूं लगदा है कि, क्योंकि माणयोग स्पीकर साहब एक ऐसी फैमिली चो ने जिन्हां ने मतलब बहुत थल्यों उठ के राष्ट्रपति भवन तक का सफ़र तय किया बाया मुख्यमंत्री पंजाब। सो उन्होंने तजर्बे तो बहुत कुछ सीखणगे, सिक्ख्या होगा उन्होंने नाल रहे ने, तो मैं उम्मीद है कि आह हाउस जिहड़ा जे आप अगले सैशन तो ही आप शुरू कर लें, जे रैंकिंग यदि
ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਜੇ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਹ ਹਾਊਸ ਨੰਬਰ 1 ਆ ਜਾਊਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੰਬਰ 1 ਕਿ ਉੱਥੇ ਡਿਬੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡਿਬੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਕਿਹਾ ਕਰਨਗੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ ਕਿਵੇਂ ਡਿਬੇਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਦੀ ਡਿਬੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਉਣਗੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ, ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਯੂਪੀ ਉਹ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ, ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹ ਟੀਚਰ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਹੈ ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਹੈ ਉਹੀ 5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਡਬਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮਿਲਣ ਭਾਵੇਂ 5 ਮਿੰਟ ਹੀ ਪਰ ਉਹ 'ਚੋਂ ਮੀਨਿੰਗਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਬਲ ਨਿਕਲਣ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੱਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਠਾਓ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਘੰਟੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ LOP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਦਾ ਨੇਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸੈਸ਼ਨ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਜਲਦੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੰਬਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਜਟ 'ਤੇ ਬਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ LOP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਲੰਬਾ ਹੋਊ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਵੀ, ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ ਬੈਠਣਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਖੜ੍ਹੇ ਵੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਵੀ ਦਿਓ। ਸੋ ਬੋਲ ਕੇ ਬਹਿ ਜਿਓ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬੋਲ ਕੇ ਚਲੇ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਛ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਜੇ, ਬੋਲਣ ਸਾਰ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ, ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਉਹ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਰੱਖਿਓ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਉੱਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋ ਬਹੁਤ ਔਰ ਤਿੰਨੋਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਰਟ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਅਤੇ ਆਏ 5 ਸਾਲ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ, ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ 4ਵੀਂ ਵਾਰ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੋਕਲ ਹੋ ਔਰ ਸਾਡੇ ਮੈਂਟਰ ਹੋ, ਅਤੇ ਕੁਛ ਸਿੱਖਣਾ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਡੇ MLA ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਝਿਜਕ, ਝਿਜਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਦੇ ਸੀਨੀਅਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲੇਖ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਹ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਆਹ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਨੇ ਨਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਦੁਆਵਾਂ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮੀਦ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਹਾਊਸ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੇ ਉਤਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਹ ਪੁਲੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ, ਆਹ ਰੇਲਵੇ ਬ੍ਰਿਜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ, ਆਹ ਸਾਡੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ। ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਜੇ ਉੱਠਣਗੇ ਤਾਂਹੀਓ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਨੌਲੇਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕੜ ਹੈ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਉਹੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ, ਇਲੈਕਟਡ ਕਰਨ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਲੈਕਟਡ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਟੰਗ ਅੜਾਉਣ ਕਿ ਆਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਹ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਇਲੈਕਟਡ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਸਿਲੈਕਟਡ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰ ਲਾਂਗੇ, ਆ ਜਾਣਗੇ ਲਈ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਐਂ ਲਿਖ ਦਿਉ ਐਂ ਲਿਖ ਦਿਉ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਫਿਰ ਐਂ ਤਾਂ ਫਿਰ। ਸੋ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਰੋਕਦੇ ਨੇ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੁੜੱਤਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।